सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज इंडिपेंडेंस डे है और फिर आज हम सारे लोग मिलकर अपना फील्ड में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये देखो ये भाई इधर से सारा कुछ ऐसे लिखा हुआ और फिर सारे लोग इधर से, ये देखो सारे लोग कितना मेहनत किए हैं गाइस, देख रहे हो। सो अभी ये देखो सारे लोग, अभी कुछ टाइम बाद झंडा फहराया जाएगा। इतना ऊपर अभी पूजा हो रहा है, राहुल पांडे पूजा करने वाले। अच्छे से पूजा करिएगा सरकार जी। अभी पूजा का तैयारी और फिर ये देखो पूजा हो रहा है, अभी होगा अभी पूजा। अगरबत्ती जल चुका है। सो पूजा हो चुका है कंप्लीट, अभी फ्लैग ऊपर होएगा। सो झंडा सेट हो चुका है गाइज और अभी नेशनल एंथम स्टार्ट होने वाली है। सो अब जनगण स्टार्ट होने वाला गाइस, नेशनल एंथम। सो स्टार्ट करो भाई जल्दी। और यहाँ पे राहुल झंडा फहरा दिया भाई, क्या बात है। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, बिंद हिमाचल यमुना गंगा, उचल चल तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे हरे जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के जय, भारत माता के जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, वंदे मातरम, 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 सुजलाम सुफलाम मलय जशीतलम, सुजलाम सुफलाम मलय जशीतलम, श्याम मिलम मातरम, मातरम सस्य श्याम मिलम मातरम, सस्य श्याम मिलम मातरम, फूल कुसुम मितु दम दल सोगनी, फूल कुसुम मितु दल सोगनी, फूल कुसुम मितु दम दल सोगनी, फूल कुसुम मितु दम दल सोगनी, सुहासनीम सुमधुर वासनीम, सुखी राम बरदाम मातरम, भगत सिंह मातरम, सुखी राम बरदाम मातरम, सुखी राम बरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की, भारत माता की जय। ये देखो गाइस लहरता हुआ झंडा अपना मस्त वाला, सुनहरा ऊपर लहर रहा है झंडा।
और फिर नीचे देखो इतने सारे भीड़, प्लस ये हाई स्कूल है गाइस, यहाँ भी झंडा फहराया गया, बट हम लोग यहाँ पे फहराए हैं। राहुल का स्पीच स्टार्ट होता है यहाँ पे। आज हम यहाँ अपने भाई साउंड आवाज देना और साउंड देना, जश्न मनाने के लिए जुटे हैं। राहुल अपना स्पीच स्टार्ट कर चुका। 1947 का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। शुभ दिन पर हमें सैकड़ों सालों की दास्ता से मुक्ति मिली थी, इसलिए यह दिवस राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। इस अवसर पर सभी स्कूलों, कार्यालयों, कारखानों, संस्थानों में अवकाश होता है। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस का जश्न हर देश के इलाकों में मनाया जाता है, लेकिन भारत सरकार का भव्य और प्रमुख आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है। इस दिन हर जगह प्यारा तिरंगा शान से अपना मस्तक ऊंचा किए हवा में लहराता दिखता है। इस दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले पर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वज तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, राष्ट्रीय गान होता है और लाल किले पर फहराए जाते हैं। प्रधानमंत्री वहां कार्यकाल में बैठे लोगों समेत पूरे देश में संबोधित करते हैं। देश के नाम उनका संदेश हर टीवी चैनल पर दिखाया जाता है। रात के समय सरकारी भवन रोशनी से नहाए होते हैं। दिल्ली के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट समेत पूरे लुटियन जोन पर लगी लाइटों का नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों, ये दिन हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान की भी याद दिलाता है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियों देकर भारत माता की बेड़ियां काटी थी। आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करता हूँ जिन्होंने भारत को आजाद कराने का सपना देखा और जिन्होंने खुद के प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम एक स्वतंत्रता भारत में सांस ले सके। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज अफसर आजादी के इन मतलबों के हौसलों को नहीं दिगा पाए, इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। स्वतंत्रता सेनानियों के अदालतों ने अंग्रेज हुकूमत की बुनियाद हिलने लगी थी, आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। इस अवसर पर जगह जगह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देश की तरक्की, आजादी के बाद क्या खोया और क्या पाया, राष्ट्र के समक्ष समस्या भविष्य को चुनौती भाई मेरे को तो जलेबी पसंद नहीं, लेकिन आज के दिन खाना पड़ेगा जलेबी। राष्ट्र निर्माण देश के विकास पर संकल्प लेना चाहिए। हमें गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा सिद्धांतों की जीवन पर उतरना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखी बातों का पालन करें। यदि देश का सम्मान है, आजादी मिलने के बाद 76 वर्षों में हमने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। भारत का परमाणु शक्ति संपन्न बनाना, चंद्रयान 3 का सफलता और कोविड-19 वैक्सीन बनाना, पोलियो को मुक्त होना, इसके बड़े प्रमाण हैं। विज्ञान एवं तकनीकी से लेकर आर्थिक, खेल, मनोरंजन, कला, संस्कृति, हर क्षेत्र में भारत का डंका खेलते हैं। दुनिया भर में बोला रहा है, इन सब के बावजूद अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। भारत को अभी भी विकसित राष्ट्र का तमांग हासिल करना है। लैंगिक एवं सामाजिक समानता नया सुनिश्चित करने के मामले में एक लंबा रास्ता तय करना है। इसी के साथ मैं अपना भाषण का समापन करना चाहता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुभाष चंद्र बोस जिंदा, अमर रहे सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे भगत सिंह, अमर रहे भगत सिंह, अमर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिंदा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो गाइस, फाइनली कंप्लीट हो गई है और फिर भीड़, सारे लोग जलेबी खा रहे हैं। सो अपन लोग वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं गाइस। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर गाइस।